अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड न्यूज़ मैसेज। इस टॉपिक में जो हम डायरेक्शन कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड जनरल डिटेल कि गुड न्यूज़ मैसेज होता क्या है और उसकी जनरल डिटेल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे अप्रोचेस ऑफ राइटिंग गुड न्यूज़ मैसेज। देन वी विल फोकस फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़ मैसेज। Afterward, we will differentiate between good news and bad news message. अब यहाँ पर अगर हम बात करें what is good news message? A message that will receive favorable response or neutral reaction from your reader. It is usually easy to write because such message tell your reader something pleasant. वो तमाम रिप्लाई जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस डिमांड या क्यूरी के अगेंस्ट किए जाते हैं और अगर ये रिप्लाई पॉजिटिव हो तो ये गुड न्यूज़ मैसेज कहलाते हैं और अगर ये रिप्लाई नेगेटिव हो तो ये बैड न्यूज़ मैसेज कहलाते हैं। नॉर्मली जितने भी पॉजिटिव रिप्लाई होते हैं इनको हम कम्युनिकेशन में गुड न्यूज़ मैसेज कहते हैं और आमतौर पर गुड न्यूज़ मैसेज को एज कम्पेयर टू बैड न्यूज़ मैसेज लिखना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर रिसीवर की एक्सेप्टेंस ऑलरेडी शामिल होती है। सिर्फ और सिर्फ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ये होता है गुड न्यूज़ मैसेज में कि जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं तो हम अपने मैसेज की इंटेंसिटी, अपने मैसेज का लेवल ऑफ गुडनेस में इजाफा करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की बुनियाद पर। यानी हमारे रिप्लाई या हमारे गुड न्यूज़ मैसेज का इफ़ेक्ट अगर कम है तो उसको किस तरीके से मैक्सिमम लेवल पर इंक्रीज करके सेंडर तक फॉरवर्ड किया जाए, ये है आर्ट ऑफ राइटिंग गुड न्यूज़ मैसेज, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड न्यूज़ मैसेज। दीज मैसेज आर जनरली ऑर्गेनाइज बाय द डायरेक्ट अप्रोच also known as good news plan or CBO approach. Normally हम good news message के अंदर direct approach use करते हैं। अगर हम direct approach की बात करें तो direct approach means कि हम अपने starting में ही सबसे पहले अपने receiver के लिए वो main idea develop कर देते हैं जो कि main good news होती है। यानी अपने message को start ही good news से करते हैं, ये direct approach हमारी कहलाती है और उस गुड न्यूज़ के बाद हम फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन फराहम करते हैं। दूसरी CBO अप्रोच, ये कम्युनिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है जिसके अंदर हर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो हम अपनी कम्युनिकेशन में अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सके। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़ मैसेज तो हमारे पास सबसे पहले थैंक यू, वो तमाम रिप्लाई जो थैंक यू फॉर्म में होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वो तमाम रिप्लाई जो मुबारकबाद की फॉर्म में होते हैं, रिकमेंडेशन अगर किसी भी हवाले से कोई रिकमेंडेशन हो, इंक्वायरी एंड रिप्लाई, डिफरेंट इंक्वायरी एंड उनके रिप्लाई, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कोई रिक्वेस्ट है या कोई रिस्पॉन्स करना है, ऑर्डर एंड एक्नॉलेजमेंट। बिजनेस के अंदर बहुत सारे जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑर्डर और उसके एक्नॉलेजमेंट के हवाले से होती है, रूटीन क्लेम एंड एडजस्टमेंट, तो रूटीन क्लेम्स होते हैं और एडजस्टमेंट के हवाले से रिप्लाई होते हैं। गुडविल मैसेजेस, मुख्तलिफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुडविल को डेवलप करने के लिए मैसेजेस जो सेंडर को या डिफरेंट सोर्सेज को फराहम करती हैं वो हमारे गुडविल मैसेजेस कहलाते हैं। नाउ कम टुवर्ड द स्टेप ऑफ राइटिंग गुड न्यूज मैसेज, वो क्या स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं गुड न्यूज मैसेज के लिए। गिव एनी गुड न्यूज एंड समराइज द मेन आइडिया इन द इंट्रोडक्शन। जब कभी भी कोई कम्युनिकेटर कम्युनिकेशन करता है फॉर गुड न्यूज़ मैसेज तो उसके अंदर जो सबसे पहला उसका स्टार्टअप होता है
वो सबसे पहले शेयर करता है, सबसे पहले डिलीवर करता है वो गुड न्यूज़, उस जो कि उस मैसेज के लिए मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको समराइज करते हैं मेन आइडिया की फॉर्म में और उसको इंट्रोडक्शन का हिस्सा बनाते हैं। प्रोवाइड एडुकेट डिटेल और डिस्क्रिप्शन, फिर हम उस ऑब्जेक्टिव या उस गुड न्यूज़ से रिलेटेड जो नेसेसरी डिटेल है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। आफ्टरवर्ड प्रेजेंट एनी नेगेटिव एलिमेंट एज पॉजिटिवली एज पॉसिबल एंड ट्राई टू डू सो इन द सेम पैराग्राफ एज पॉजिटिव एलिमेंट। अगर ड्यूरिंग द डिलीवरी गुड न्यूज मैसेज कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट है तो हमें उसको इस तरीके से आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करते हुए फराहम करना है कि उसका इम्प्रेशन नेगेटिव के इंस्टेड ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव रहे। और हमें ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिश अ गुडविल एंडिंग और अपने मैसेज की एंडिंग इस तरह करें जो हमारी क्रिएशन ऑफ गुडविल का रीज़न बने, जिससे हमारी गुडविल में इजाफा हो सके। प्रूफ रीड थ्रू आउट द रीडिंग एट लीस्ट टू टाइम और आफ्टर राइटिंग अ गुड न्यूज़ मैसेज कम अज़ कम दो दफ़ा उसकी रीड करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए, ताकि अगर हमारी कम्युनिकेशन में, हमारे मैसेज में कोई वीकनेस या एरर मौजूद है तो उसको गिव अप करके क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन में इजाफा किया जा सके। ये एग्जांपल है हमारे पास एक गुड न्यूज मैसेज की। यू कांट मेस अप गुड न्यूज राइट वेल एक्चुअली इवन गुड न्यूज कैन बी डिलीवर efficiently whether deliver orally or in writing make sure your tone reflect the positivity of the message and that your audience understand what they did to deserve it good news should make people feel good don't send mixed message or listen the goodness of the news by being careless with your words choice tone। जब कभी भी कोई कम्युनिकेटर गुड न्यूज मैसेज को राइट कर रहा है तो उसको गुड न्यूज मैसेज की राइटिंग के दौरान जो फोकस करना चाहिए कि उस गुड न्यूज मैसेज का जो मेन आइडिया है उसको एफिशिएंटली और एफेक्टिवली प्रिपेयर किया जाए। चाहे आपका मैसेज ओरली हो, चाहे आपका मैसेज ब्लैक एंड वाइट फॉर्म यानी रिटन फॉर्म में हो, मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन की टून है वो रिफ्लेक्ट करे आपकी पॉजिटिविटी को और आपका जो मैसेज है वो ऑडियंस के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि ऑडियंस उसको जल्दी समझकर उसको आप पॉजिटिव रिप्लाई दे सके। यहाँ पर एक हम एग्जांपल शेयर करेंगे गुड न्यूज़ मैसेज की इन अ स्पेसिफिक एंड विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और वही सेम एग्जांपल हम देखेंगे विदाउट इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं विद इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन टॉरी ड्यू टू योर एक्सलेंट सेल रिकॉर्ड परफेक्ट अटेंडेंस एंड हाई इवेल्यूएशन from customer and co-workers you have been selected as an employee of the month you will receive a plaque and $100 american express gift card when you are officially recognized at monday's staff meeting we look forward to acknowledging your achievement at monday's meeting and appreciate that great example you set for other employees keep up the great work। ye same message ko jab hum without art of communication without art of delivery of good news message deliver karte hain to uski condition kuch is tarah hai congratulations nori you have been selected as an employee of the month and you will receive 100 american gift $100 American gift card।
अगर इन दोनों मैसेजेस का कंपैरिजन किया जाए तो बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों मैसेज का ऑब्जेक्टिव तो सेम है, दोनों मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन तो सेम है, लेकिन जब उसी मैसेज को हमने विदाउट गुड न्यूज़ अप्रोच डेवलप किया तो इस मैसेज के ज़रिए रिसीवर के लिए जो गुडनेस है वो मिनिमम लेवल पर है, और इसी मैसेज को जब हमने आर्ट ऑफ राइटिंग गुड न्यूज़ मैसेज के ज़रिए डेवलप किया, ड्राफ्ट किया, तो उससे रिसीवर के लिए उसके इंटेंसिटी ऑफ गुडनेस में इजाफा नज़र आता है। इस एग्जांपल के ज़रिए हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन जब हम अप्रोचेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एफिशिएंसी एंड एफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस हमारे रिसीवर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे हम गुड न्यूज़ मैसेज डिलीवर करें, चाहे हम बैड न्यूज़ मैसेज डिलीवर करें, चाहे हम पर्सुएसिव मैसेज डिलीवर करें। यही वजह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कम्युनिकेशन को। थिंग टू कंसीडर व्हाइल राइटिंग अ गुड न्यूज मैसेज, हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसमें सबसे अहम है ऑडियंस। आपकी जो ऑडियंस है उनकी इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, सच एज एज ऑफ ऑडियंस, आपकी ऑडियंस की एज क्या है, एजुकेशन ऑफ ऑडियंस, आपके ऑडियंस की एजुकेशन क्या है, प्रोफेशन ऑफ ऑडियंस, आपके ऑडियंस का प्रोफेशन क्या है। उसके बाद हमारे पास मोड ऑफ राइटिंग, वो कौन से मोड ऑफ राइटिंग है जिनको हम यूज़ करेंगे। बी सिंसियर, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपकी सिंसियरिटी लेवल का। जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन विद सिंसियरिटी होगी उतनी ज़्यादा उस कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। बी ब्रीफ, कम्युनिकेशन के अंदर जो है आप कंप्लीटनेस का पॉइंट फोकस करें, अवॉइड एग्रेशन, आपकी कम्युनिकेशन में कोई एग्रेशन नहीं होना चाहिए। बैकअप, कम्प्लीमेंट विद स्पेसिफिक पॉइंट, आपको जो है कम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक पॉइंट का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। डोंट प्रोमिस मोर देन वाट यू कैन डिलीवर, और कभी भी कम्युनिकेशन में हमें मिस कमिटमेंट से को अवॉइड करना चाहिए। और मिस कमिटमेंट कब होती है, जब हम कोई ऐसा प्रॉमिस कर लें जिसको हम फुलफिल ना कर सकें या अकॉर्डिंगली जिसके हम डिलीवर ना कर सकें, तो कोई ऐसा अननेसेसरी प्रॉमिस शामिल नहीं होना चाहिए। बी टाइमली, और आपको कम्युनिकेशन के दौरान अपने टाइम की कंसिडरेशन को भी फोकस करना चाहिए। नाउ कम टू वर्ड्स द अप्रोचेस ऑफ राइटिंग अ गुड न्यूज मैसेज, वो कौन कौन से अप्रोचेस हैं जो गुड न्यूज़ मैसेज के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहली अप्रोच है CBO अप्रोच, यानी कम्युनिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जब भी हम कम्युनिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्लान अ मैसेज। बिफोर राइटिंग, बिफोर स्पीकिंग, बिफोर डिलीवरिंग, आपको सबसे पहले प्लान करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। कंपोज अ ड्राफ्ट, सेकेंड स्टेप आता है कि फिर अब आप अपनी कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करना शुरू करें, यानी आप कंपोज करें ड्राफ्ट को। एंड देन थर्ड स्टेप, कंप्लीट अ मैसेज, और फिर आप अपने मैसेज को कंप्लीट कर लें। इफ यू टॉक अबाउट अ प्लान अ मैसेज यूजिंग द CBO अप्रोच, जब हम प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच, तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करने चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को विद ऑब्जेक्टिव, यानी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट कर सके। विजुलाइज द ऑडियंस, आपको विजुलाइज करना चाहिए कि आपके जो रिसीवर हैं, जो आपकी ऑडियंस हैं, वो कौन हैं, वो किस एज सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका लिटरेसी लेवल क्या है, वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन
अबाउट ऑडियंस होगी उतनी ही ज्यादा उनके लेवल पर जाके मैसेज को डिलीवर करना पॉसिबल होगा। थर्ड स्टेप हमारा था चूज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हम चूज करते हैं कि वो कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया जाए जो इस मैसेज और इन ऑडियंस के लिए आइडियल हो। और फिर हम थर्ड फोर्थ स्टेप में देखते हैं गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, वो कौन कौन सी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव की इफेक्टिवनेस में इजाफा कर सके, ताकि उसको अपने मेन ऑब्जेक्टिव मेन मैसेज के साथ इंक्लूड करके हम अपनी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस में इजाफा करें। ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज से मुराद ये है कि हम सीक्वेंस लेते हैं कि पहले स्टार्टअप में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, सेकेंड स्टेज में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, मिडिल स्टेज पे कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, और एंडिंग तक हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह लेकर जाएंगे। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं तो व्हाई आर यू क्रिएटिंग द मैसेज, क्या मकसद है जिसके जैसे आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं या मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं। टू परसू, आपका मकसद कम्युनिकेशन करने के परसूड है। टू इंफॉर्म, आपका मकसद रिसीवर की इंफॉर्मेशन के लेवल में इजाफा करना है। टू इंक्वायर, अगर आप अपने मेन मकसद ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी इंक्वायरी की सूरत में हो सकते हैं। विजुलाइज द ऑडियंस, जब हम विजुलाइज करते हैं ऑडियंस को तो हम देखते हैं आंसर द क्वेश्चन टू हेल्प विजुलाइज योर ऑडियंस, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें बताते हैं कि इनके आंसर के जरिए हम ऑडियंस को विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट सबसे पहले हु इज माई टारगेट ऑडियंस, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, वही कि उनकी एज क्या है, उनकी लिटरेसी रेट क्या है, उनका कल्चर क्या है, हमारी ऑडियंस कौन है। वाट आर द करेक्टरिस्टिक डू आई नो और वाट कैन आई लर्न अबाउट माई टारगेट ऑडियंस डेट विल हेल्प मी प्रिपेयर द मैसेज। फिर हमारी ऑडियंस जो है उन जो हमने सेगमेंट ऑफ ऑडियंस सेलेक्ट की है, जो टारगेट ऑडियंस की है, टारगेट ऑडियंस यानी मेल फीमेल हैं, इसके अलावा स्टूडेंट हैं, इसके अलावा कंज्यूमर हैं, इसके अलावा एम्प्लॉयज हैं। तो जब हमने अपनी टारगेट ऑडियंस